हमारे लिए तो जब भी अक्षय कुमार की मूवी आती है तभी दिवाली है, साल में चार बार दिवाली है, पर ये परफेक्ट दिवाली, मतलब ऐसे आते हो पेट्रियोटिक पे इंडिपेंडेंस डे पे आते, पर ये जो दिवाली के दिन आए और जो धमाका किया है थिएटर में, सारे पटाखे बन गए थे, हर कोई हंस हंस के फूट फूट के हंस रहा था, जैसे कि पटाखे फट रहे थिएटर में, इतना मजा आ रहा था। आपको अपना दिमाग घर पे छोड़ के आना पड़ेगा, इट्स फनी, ऑसम, फैबुलस यार, अक्षय कुमार की एक्टिंग विद दिस एनॉन एंड कॉमेडी भरपूर है, छोटे छोटे जोक्स है जो हंसा रहता है, मतलब एक सीन भी नहीं है आप आंखें बंद कर सकते। फनी पार्ट जब अक्षय कुमार भूलते कि कुछ भी आवाज आ रहा है और फट से भूल जाते, और जो उधर मैं बोल रहा हूँ ना, आप मैंने स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, पर जो हंस रहे और जो मजा आता है पिक्चर में जब अक्षय, मतलब अक्षय कुमार ने खा लिया है पूरा। बाला कैरेक्टर तो एकदम यूनिक है, पर जो मेन उनका 2019 का जो नॉर्मल कैरेक्टर है ना, उसको भी मजबूत किया है उन्होंने। हाउसफुल मूवी तो बहुत ऑसम मूवी थी, पहले ऐसा लगा था कि मुगल टाइम का दिया है, ओल्ड एज का दिया तो वर्स्ट होगी, मतलब थोड़ा होगी परेशानी, बट उसमें भी वो लोग ने अक्षय कुमार को इतना परफेक्ट रोल दिया, इतना अच्छे से डिस्प्ले किया है, परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी मूवी एक्चुअली। उसका जो सॉन्ग भी था बहुत कैची सॉन्ग था और एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी। जॉनी लीवर, चंकी पांडे, दे आर द बेस्ट, you'll just die laughing at their jokes. Johnny Lever साहब, उन्होंने जो हंसाया है, कितने सालों के बाद उनको स्क्रीन पे देखा है, पहले हम देखते थे, उन्होंने जो हंसाया है ना वो बहुत सरप्राइज एलिमेंट था, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो इतना हंसाएंगे। एक्ट्रेस तो तीनों हॉट थी, बट एक्टिंग वाइज पूजा हेगड़े बहुत हॉट लगी। पूजा बहुत हॉट लग रही थी, तीनों ही हॉट थी, प्रकृति सेन उनका जो रोल था और जिस तरीके से देखा, उन्होंने एक्टिंग और हॉटनेस दोनों में उन्होंने बहुत 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 बेहतरीन किया है दोनों ने मिलकर। अक्षय सर का तो डायलॉग का एंट्री अलग ही है, रितेश जी का जो अंदाज दिखाया है वो मेरे को बहुत पसंद आया, उनका जो स्टाइल, घुंघरू महाराज, थोड़ा फीमेल वगैरह, समझ रहे, रितेश देशमुख और अक्षय कुमार जो, मतलब एक सैटेलाइट और एक रॉकेट जो दोनों काम करते हैं ना ऊपर जाने का, जो मिशन मंगल में था, तो उस तरह है, और जो फटते हैं ये दोनों मिलके, जब स्क्रीन प्रेजेंस अभी दोनों का आता है, आपने एबीवी में भी देखा रहेगा, तो उधर से लेके आ रहे हैं, उनको कोई कंपटीशन ही नहीं है। बाला वाला उनका जो रोल था ना, ऑसम था। फर्स्ट फिल्म में बॉबी देओल से जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज्यादा अच्छा लगा, उनको देखकर अच्छा लगा। राणा डग्गुबाती इन द रोल ऑफ विलेन, आई थिंक मुझे वो पूरा बाहुबली का वाइब वापस आ गया, ही जस्ट नेल्ड इट। सबसे अच्छी बात यही लगी, जो 600 साल पुराना प्यार इस जन्म में भी आके कंप्लीट हो ही गया, तो इसके लिए अच्छा लगा। नवाजुद्दीन का भूत का जो सॉन्ग है ना, वो काफी, मतलब कॉमिक कॉमेडी मूवी है तो कॉमिक टर्निंग से बात करूंगा, तो वो जो भूत वाला सॉन्ग है वो भी क्लास है, जो नवाजुद्दीन बीच में जो सरप्राइज पैकेज आते हैं उसके लिए। बाला ने घायल कर डाला वो गाना, हमने लाइव यहाँ पे जब भी गाना बज रहा था तभी हमारा पूरा ग्रुप है जो वीरकेंस का, सब जाके नाच रहे थे, और धीरे धीरे देखते ही देखते हम 5-6 जन थे, फिर पूरा थिएटर आगे नाचने के लिए बाला, मतलब कितना क्रेज है आप समझ सकते हो बाला चैलेंज के लिए। बाला उसमें पब्लिक डांस भी कर रही थी, लाइक एक्साइटेड हो गए। रेटिंग अक्षय कुमार के हिसाब से हम फैन है, इसके लिए 5 देंगे, पर नॉर्मल ऑडियंस देखने जाएगी तो 4 स्टार तो दे ही देगी, सब लोग मिलते 5 से 4, 4.5 दे देंगे, 5 ऑल 1, 10 आउट ऑफ 10, 3।